हैप्पी टीचर्स डे। आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे जूनियर सीनियर से लेकर अभी तक पढ़ाया है, उनको मेरा नमस्कार, क्योंकि अगर आज वो नहीं होते तो शायद मेरे अंदर भी एजुकेशन की कमी रहती। देखिए, माता पिता का काम आपको इस लाइफ में ले आना है, इस दुनिया में ले आना है, लेकिन एक टीचर का काम, एक शिक्षक का काम आपको इस दुनिया के गुड फेस और बैड फेस से मिलवाना है, यानी कि इस दुनिया में अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयाँ क्या हैं ये आपको बतलाना है। यू विल डू ऑल थिंग इन योर लाइफ बट लेट्स स्टार्ट। आप अपने लाइफ में हर वो काम कर सकते हैं, लेकिन आपको हर वो काम करने के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। एक इंसान को सक्सेस अगर पाना होगा तो उसके लिए उसको पहले फेल्यूअर से गुजरना पड़ेगा। बिना वो फेल्यूअर को फेस किए सक्सेस कभी नहीं पा सकता। अगर आप सक्सेस पा भी गए तभी भी आपको अपने अंदर ईगो नहीं लाना चाहिए, ईगो यानी कि घमंड, क्योंकि घमंड आपका दुश्मन है, ईगो इज़ दी एनिमी। इसी घमंड के कारण रावण की मृत्यु हुई, इसी घमंड के कारण कंस की मृत्यु हुई, और इसी घमंड के कारण हिरण्यकश्यप की भी मृत्यु हुई। यू वॉज बॉर्न पुअर, दिस वॉज नॉट योर फॉल्ट, बट यू आर डाई पुअर, दिस इज़ योर फॉल्ट। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये बेशक आपकी गलती है। अब ये भी बात ठीक है कि जब तक आप जिंदा हैं आपको पता नहीं है कि आपकी मृत्यु कब हो जाएगी। आप 365 दिनों में से कोई किसी भी दिन आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं तब तक अपने जिंदा रहते हुए आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जो कि आपकी गिरी स्थिति से आपको उठाए, ताकि नेचर को कभी ये ना लगे कि आपने अपने जीते जी कुछ नहीं किया। भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी कि आप जब तक जिंदा हैं आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, फल तो ऊपर वाला देगा। परमहंस रामकृष्ण भी कहते हैं, जतो दिन जीवी ततो दिन सीखी, यानी कि या तो मैं जीतता हूँ या तो मैं सीखता हूँ। जब भी आपका फेल्यूअर हो, आप किसी दिन फेल हो जाए, तो आप समझिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और जब जिस भी चीज़ में आप फेल हुए हो उसमें आप लर्न कीजिए कि आप फेल किस लिए हुए, क्योंकि मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ। देखिए, माता पिता और टीचर की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन आपको साथ में अपने भाई और बहन की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रावण से हम ये दो चीज़ सीख सकते हैं। रावण इसलिए हारा, रावण की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसका भाई उसके साथ नहीं था, उसके विपक्ष में था। और श्री राम जी की इसलिए विजय हुई क्योंकि उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ खड़ा था। और रावण से आप ये भी चीज़ सीख सकते हैं कि उन्होंने भगवान से पंगा इसलिए लिया क्योंकि ये उनकी बहन के अस्तित्व का सवाल था। सीखने की आग ऐसी हो कि खराब चीज़ों में से भी अच्छाइयाँ निकाल ले। आपको हमेशा सीखना है, हर दिन आपको सीखना है, हर एक दिन आपको सीखना है। जतो दिन जीवी ततो दिन सीखी, तो सीखने की आग ऐसी होनी चाहिए कि जितनी भी खराब चीज़ हो उसमें से आप अच्छाइयाँ निकालो। जैसे कि रावण तो बहुत ख़राब था, उसके अंदर बहुत सारे ख़राब चीज़ थे, लेकिन हम लोग उसके अंदर से ये जो गुण हैं वो हम लोग ने निकाला, इससे लर्न किया। ठीक है, अगर आप ऐसे बंदे के पास बैठते हैं जिसके पास दिमाग में 1% भी नॉलेज की बात ना हो, ठीक है, वो हमेशा बकर बकर करते रहता है और आप जो उसको बताते हैं वो सुनता ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ रहेंगे तो क्या पता उसके माइंड में भी एक गोल्डन पॉइंट हो जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हैप्पी टीचर्स डे।